हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग करना सीखेंगे। हमेशा अम्ब्रेला लहंगे की जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें साइड में जॉइंट आता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इस लहंगे में बिल्कुल भी जॉइंट नहीं आया और किस तरीके से आया। चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे लहंगे की लंबाई है 37.5 इंच की, चीन या नेफा या जो कमर का साइज है वो है 32 इंच का। तो जो भी हमारे कमर का साइज हो उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। 8 इंच में हमें 1 इंच प्लस कर देना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, कपड़ा सिलाई में भी जाएगा इसलिए। तो 8 और 1 इंच मिलाएंगे तो हो जाएगा 9 इंच। अब देखिए, जो हमारे लहंगे की लंबाई है पूरी 37.5 इंच की, उसमें हमें जो कमर का साइज निकला था वो प्लस करना है, और प्लस 3 इंच प्लस करना है क्योंकि नीचे हम पट्टी लगाने वाले हैं, वो इसी में से फोल्ड करेंगे। तो 37.5, 9 और 3 इंच को प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएगा 49.5 इंच। जो हम लहंगे की कटिंग के लिए कपड़ा लेंगे वो हम 49.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को सीधा कर लिया है एकदम सिंगल, और ऊपर की ओर ये कपड़ा उल्टा है। अब हमें 49.5 इंच पर मार्क करना है और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करना है। देखिए, बराबर डबल फोल्ड हो गया है। यहाँ पर हमारे कपड़े की जो विथ है वो ज़्यादा है इसलिए इसमें बिल्कुल भी जॉइंट नहीं आएगा। ज़्यादा विथ वाला कपड़ा लेते हैं तो इसमें जॉइंट नहीं आता है। अब देखिए, जो बंद साइड है उस तरफ से आप कोई सा भी कोना उठा लीजिए और कपड़े को इस तरीके से ट्राइंगल शेप देते हुए मोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी सलवटे नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए कपड़े की विड्थ ज्यादा है तो पन्ने में से कपड़ा निकलेगा। ये हमारी लेंथ तो यहीं तक है 49.5 इंच पर, तो यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है 49.5 इंच पर। फिर से नाप लेना है और मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब हम नेफे की यानी कि चेन की कटिंग करेंगे। तो नेफा हमारा निकला था 9 इंच का, 32 को 4 से डिवाइड किया था। तो ये जो कोना है यहाँ से हमें इंच टेप को रखना है और लंबाई में 9 इंच पर निशान लगाना है। गोलाई में भी 9 इंच पर निशान लगा दीजिए, बीच में भी और साइड में भी। इस तरीके से आप किसी भी साइज का अम्ब्रेला लहंगा बना सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, अब इसके नीचे से हमें लहंगे की लेंथ नापनी है। 49.5 इंच में से 9 इंच कमर का निकालने के बाद 40.5 का हमारे पास कपड़ा बचा है। तो ये जो हमने ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ करी थी इसके नीचे 40.5 पर हमें निशान लगाना है। इंच टेप को थोड़ा सा और आगे सरकाते जाना है और नीचे की तरफ से भी इसे आगे सरकाते हुए हमें पूरी गोलाई में निशान लगाना है। यहाँ पर हमारा कपड़ा ये थोड़ा कड़क है तो हमें बीच में आते आते लगभग आधा या 1 इंच कपड़ा ही कम करना है। अगर आपका कपड़ा लचीला हो तो आपको बीच में आते आते जो गोलाई है उसमें लगभग 1 से 1.5 इंच कपड़ा कम कर देना है। यानी कि साइड में हम यहाँ पर 40.5 लेते हैं तो लचीला कपड़ा होता है, तो बीच में हम लगभग 39 इंच ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये कड़क कपड़ा है तो हम सिर्फ आधा इंच ही कम करेंगे। अगर आपने ज़्यादा कम कर दिया तो बीच में से लहंगा ऊपर हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ 40 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें एकदम 40.5 से 40 पर नहीं आना है, धीरे धीरे कपड़े को कम करते जाना है और लाइन बनाते जाना है। ठीक है, हमने पूरी लाइन बना ली है, अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अगर आप सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, ये पूरे लहंगे की कटिंग हो गई। अब हमें नेफे की कटिंग करनी है। पहले हम इसे खोल कर देख लेते हैं, अगर कहीं से छोटा बड़ा दिखाई दे तो आप फिर से कटिंग कर लीजिएगा थोड़ी बहुत। कमर के साइज को नाप लीजिएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है चेन की कटिंग के लिए। इससे हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और चेन की चौड़ाई रखनी है हमें लगभग 4 इंच की, और कमर का साइज है 32 इंच, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे फोल्डिंग के लिए, तो 33 इंच की कट करनी है। ठीक है, 33 इंच पर फोल्ड हो गई, इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से हमारे पूरे लहंगे की कटिंग होगी। ये चीन है और ये लहंगा है, लहंगे के गेर पन्ना ज़्यादा था और इसमें बिल्कुल भी जॉइंट नहीं आया है।